आज हम बनाएंगे स्टार कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हैं। जी दोस्तों, हम बनाएंगे अब स्टार कैसे बनाते हैं, और वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, और वीडियो को भगाना मत क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। फिर स्टार हमने बनाना वहां पर कैसे बनाना है और दिखते रहना। पहले हमने ऐसी एक लाइन लगा लेनी है। जी हमारी लाइन लग गई, ठीक है। लाइन लगाने के बाद अब इसको ए बनाएंगे। कैसे बनानी, ऐसे बनानी, ठीक है। आपके पास अगर मशीन है तो मशीन के साथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कैंची के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ए बना लेना, ठीक है। कट दिख नहीं रहा तो कैंची से कर लेना, ठीक है। इसके साथ मैचिंग कर देना, अलग अलग दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। पहले ऐसे लगा के उसके बाद ए बनानी है। ए कैसे बनानी है, ठीक है। इसको हल्का सा इधर से बड़ा कर लेना, और जो जे वाली होगी लाइन, ठीक है, इसको इसके साथ मैचिंग करनी है, ठीक है। कैसे करनी है देखते रहना। जी मैंने इसके साथ मैचिंग कर देनी है, मशीन चल रही है। उसके बाद जे वाली होगी इधर लगानी, ठीक है। इसको कैंची के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसको हल करके लाइन देके, ऐसे लाइन दिखनी चाहिए ना। उसके बाद इधर से भी ऐसे कर देना, अगर जे वाली होगी उसको इसके साथ मैचिंग कर देना ऊपर वाले के साथ, ठीक है। अगर ए वाली होगी इसके साथ हल्की लंबी करके और इसको इसके साथ मैचिंग कर देना, ठीक है। पहले हमने सीधी लाइन लगाई थी, उसके बाद ऐसे ए बना दी, उसके बाद जे और ए, बड़ी आसानी तरीके से बन गया ना, कोई दिक्कत। कई बंदे छापा लगा के भी बनाते हैं, पर लेकिन उससे नहीं बनाना चाहिए। ऐसे उंगली लगा लेनी है, ठीक है। उंगली लगाने के बाद इसको इसके साथ मैचिंग कर देना, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम ब्लेड, उसके बाद हल्के हल्की इसको साइड में राउंडिंग देंगे और अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। और देखते रहना। उसके बाद आपके पास जो अगर कोई भी क्रीम वगैरह है लगाने वाली फेस पे, ठीक है, कोई भी आप वहाँ पर नरम करने के लिए, ठीक है, हमारे को नरम की जरूरत है वहाँ पर नरम करने के लिए, हम कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे हल्के हल्के नरम कर दी, क्योंकि इनको पता ना लगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नरम करके ना बढ़ देना, ठीक है। बढ़ने के बाद उसके बाद हम ब्लेड लगाना आप हमारे को आसान हो जाएगा, ठीक है। लगाने के बाद उसको हमने कर देना टिश्यू पेपर से के साथ साफ, उसको कर देना, ठीक है। उसको लगाएंगे हम ब्लेड कैसे लगाना और साइड में, ठीक है। जी वाली चीज हल्की हल्की ऊपर दबानी है, नीचे को ज्यादा करोगे तो सारा खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। और हल्की हल्की लगानी, कैसे लगानी है, ऐसे लगानी है, देखो हल्का हल्का ऊपर से दाबना, ठीक है। हल्का दाबने के बाद हल्का आपने यहाँ से भी इधर भी कर देना, ठीक है। और करने के बाद हल्का ऊपर से शुरू चलाना, ठीक है। ऊपर से चलाने के बाद जे वाली हमारी जो लाइन है इसको हमने कर देना, ठीक है। अंगूठे से हल्का हल्का खींचना है, सूर्य को ज्यादा नहीं दबाना, ठीक है, मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इधर से भी, ऐसे और इधर से भी, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा ना कि हाँ यार छुरा चल रहा कि नहीं चल रहा, बंदे को भी नहीं पता चलेगा। इसको ऐसे पकड़ के साइड में ऐसे हल्का सा नीचे कर देना, ठीक है। नीचे कैसे करना, अगर हमने ये वाली मिलानी है, कैसे मिलानी है, हमारे को दिक्कत हो रही है कैसे मिलाएं, है ना, वो भी बताता हूँ। आपने ऐसे करना, ऐसे करके हल्के हल्के इसके साथ मैचिंग कर देनी है, इसके साथ मैचिंग करनी है। ये
ये हमारा बन गया स्टार, अभी पूरा नहीं बना, देखते रहना ठीक है, वीडियो को भगाना मत। उसके बाद हमने करना है साइड साइड में इसको और स्टार को स्टाइलिंग में करना ठीक है। तो हल्की हल्की ऐसे मशीन लगा देनी है, मशीन लगाने के बाद ऊपर को ऐसे इसको भी ऐसे कर देना ठीक है, और इधर से भी ऐसे कर देना। हमें राउंडिंग से देनी है वैसे, जैसे हम ये राउंड लगाते हैं ना ऐसे ही उसको राउंडिंग में हल्की हल्की लगानी है ठीक है। अब देखते रहना, इधर से भी ऐसे कर देनी है ठीक है, और हमारी इधर से भी ऐसे कर देनी है, और ये बार नीचे वाली होगी इसको हल्का पीछे वाले को उठा के रखना ठीक है, और ये वाली चीज़ लगनी चाहिए हल्की हल्की, ये तो ये वाली कटी जाएगी ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा सारा स्टार। और इसको इसके साथ मैचिंग कर देना, ये वाला होगा इसके साथ मैचिंग कर देना, हल्का कैंची कैंची से इसको गूढ़ा कर लेना ठीक है। मतलब कैंची ले लेना, कैंची के साथ हल्के हल्के ना राउंडिंग सी जैसे मैं मशीन जैसे लगाई है ना हल्के हल्के इसको भी, क्योंकि दिखने लग जाएगा हल्का हल्का ना, और थोड़ा अच्छा लगने लग जाए। इसके बाद हम फिर इसमें लगाएंगे छुरा ठीक है, और कैसे लगाना है और देखते रहना इधर भी, इसको भी इधर से ऐसे ही कर देना ठीक है, दोनों साइड में ऐसे ही करना है, तीनों चारों साइड ठीक है, इधर भी ऐसे ही कर देना, इधर भी हमने ऐसे लगाना, इधर भी हमने ऐसे लगाना, वहाँ पर हाथ लगना चाहिए आपका, फिंगर लगना चाहिए। हल्का हल्का पानी लगा के और साइड में कैसे करना है, आप क्रीम भी लगा सकते हो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इसको लगाना हमने हल्का हल्का, हम इतनी साइड में राउंडिंग सी हल्की हल्की दी है, ज़्यादा नहीं। और इधर से भी ऐसे करना ठीक है, यार आपकी मर्जी है, आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने पहले बना था जे वाला ठीक है, उसे भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर लेकिन हम थोड़ा सा स्टाइलिंग में बना रहे हैं ठीक है। अब देखते रहना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर लेकिन देखते रहना कैसे बना रहा हूँ कैसे नहीं बना रहा हूँ, ताकि यार आपको समझ आ जाए ठीक है। यहाँ पर लग नहीं रहा, हल्का हल्का इसको दबाना पड़ेगा ऊपर से, दबाने के बाद जैसे भी ऐसे ठीक है, और यहाँ से भी ऐसे ठीक है, जी वाली यहाँ से ऐसे पकड़ के ठीक है, जी वाली होगी हल्की हल्की ऐसे दबा करके, नीचे को भी ऊपर वाला हिस्सा उठाना है इसका ठीक है, छुरे का हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा यार तेजी में मत करना ठीक है, तेजी में करोगे तो स्टार तुम्हारा हो जाएगा खराब। उसके बाद बनाएंगे हम, इसके बाद बनाएंगे किसी के पत्ता बनाएंगे, पत्ता ठीक है, हल्का हल्का ज़्यादा नीचे को खींचोगे तो सारा स्टार आपका खराब हो जाएगा। और जेब वाली है ऐसे तो हम कर नहीं सकते ठीक है, नहीं तो यहाँ से कट जाएगा, इसको करेंगे ऐसे ठीक है, एक किससे करनी है नोक से, जेब वाली नोक से, अगर यार मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो कैसी लगी चलती चलती में लाइक जरूर कर देना ठीक है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये साइड में ठीक है, कैसे बनाना देखते रहना। उसके बाद हम लगाएंगे इसको यहाँ से मैचिंग करेंगे, ये वाली जो हमारी तीर है देखो ध्यान से, ये वाली हमारी जो तीर है ना इसको इसके साथ मिलाना है, कैसे मिलाना देखते रहना। कैंची से भी कर सकते हो आप, आपके पास अगर मशीन वगैरह भी है उसके साथ भी आप कर सकते हो ठीक है। लो जी मैचिंग हो गया ना इसके साथ, हमारे जी बना उसको हल्का हल्का पानी लगा के उसको नरम कर लेना, नरम करने के बाद इसमें हम लगाएंगे छुरा ठीक है। छुरा लगाने के बाद अब देखो कैसे लगाना, वहाँ से पकड़ के ठीक है, ज़्यादा नीचे को नहीं गिना, हल्का हल्का ब्लेड लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे हल्का हल्का लगाना है,
ज़्यादा मोटी लाइन नहीं करनी, पतली थोड़ी पतली होगी तो बहुत अच्छी लगेगी। नोक से जो शुरे की जीवर नोक होती है ना, इससे करना ठीक है। उसके बाद वहां पर हम लाइन भी दो लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लगाना होगा ठीक है, नहीं लगाना होगा मत लगाना, ठीक है। वैसे हम वहां पर दो लाइन लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगाएंगे देखते रहना। उसके बाद वहां पर हम लाइन लगाएंगे, ठीक है, कैसे लगानी है, जी वाली दो उंगली यहाँ पर फिंगर लगाना, ठीक है, इसको टेढ़ी लगानी है, टेढ़ी टेढ़ा अच्छा लगेगा। एक रखेंगे लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे रखने के बाद एक ठीक लगा देंगे यहाँ पर साइड में, इतना फर्क, हल्का सा फर्क डाल के, ठीक है, आप रख सकते हैं यहाँ से, इतना फर्क डालूंगा, ठीक है। इसको हल्का सा इसको भी नरम कर लेना, नरम करने के बाद उसके बाद, ठीक है, इसको ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे नहीं लगाना, आपको दिक्कत होगी करने में, ठीक है। और इसको कैसे लगाना है, इसको ऐसे लगाना है, इधर से भी ऐसे लगाना है, ठीक है। लो जी हमारा हो गया स्टार। ऐसे लगाने के बाद लो जी हमारा हो गया तैयार। और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कैसे स्टार बना। ये तो कैसे लगी ये वीडियो और कमेंट में जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।